अगले साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बदल जाएगा, इसलिए क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है। 96 का वर्ल्ड कप जो कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ में को-होस्ट किया था, वो आखिरी कोई बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट था जो कि पाकिस्तान ने होस्ट किया था, वो भी पार्टनरशिप में किया था। अब 2026 आते आते उसको करीब 29-30 साल हो चुके होंगे, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान क्रिकेट एक लंबे समय से कोई बड़ा टूर्नामेंट अपने यहां पर होस्ट नहीं कर पाया है। लेकिन अब जब चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल दहलीज पे खड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान क्रिकेट एक मौके की तलाश में है कि किस तरीके से वो खुद का रिडिम्पशन कर सके। आईसीसी क्रिकेट ऑफिशियल्स इसी लिहाज से, इसी पूरे चीज को देखने के लिए, दौरा करने के लिए पाकिस्तान पहुंचे कि क्रिकेट स्टेडियम्स के हालात देखे जाए कैसे क्या है। और मैं पहले ही आपको बता दूं कि आईसीसी के ऑफिशियल्स बिल्कुल भी खुश नहीं है, और ये पाकिस्तान के लिए वाकई में अच्छी खबर तो नहीं है। दरअसल अभी पीएसएल कंप्लीट हुआ था, पीएसएल के जो आखिरी के मैचेस थे वो कराची में रखे गए थे, लेकिन क्वालिफायर्स एलिमिनेटर्स होने के बावजूद भी एक बड़ा हैरान कर देने वाला वाक्य ये निकल कर आया कि जो खिलाड़ी थे वो तो स्टेडियम में मैच देखने पहुंच गए, खेलने पहुंच गए, लेकिन जो दर्शक थे वो नहीं आए। कराची को पाकिस्तान का इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है, इकोनॉमिक हब कहा जाता है, वहां पर कई सारी अच्छी चीजें हैं, कई बेहतरीन लोग वहां रहते हैं, बट उसके बावजूद भी जब कराची में मैच कराया जाता है तो वहां पर स्टेडियम खाली रहता है। जब स्टेडियम वहां के खाली दिखे तभी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान में क्रिकेट तो इतना पॉपुलर है, उसके बाद लोग यहां पर मैच देखने क्यों नहीं जा रहे, क्या समस्या हो सकती है आखिर लोगों को जो लोग मैच नहीं देख रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि आईसीसी क्रिकेट ऑफिशियल्स ने वहां पर जो दौरा किया है उसके बाद में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वेडनेसडे को पिंडी के भी स्टेडियम का दौरा होना है, और अभी जितनी खबरें आ रही हैं कि ये दो ही स्टेडियम है जिनका कि दौरा होना है। आने वाले समय में पाकिस्तान में काफी सारे स्टेडियम्स बनने हैं, हालांकि आने वाला समय अब सिर्फ एक साल का ही बचा है, तो इन स्टेडियम्स को तैयार कराया जाएगा, इन स्टेडियम से मैच होंगे, और फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत एक बदली हुई भी हमको दिखाई देगी। बट हाल फिलहाल के लिए एक बहुत ही शर्मनाक चीज हुई है, आईसीसी क्रिकेट ऑफिशियल्स ने कुछ चीजों को लेकर पॉइंट आउट किया है जिनमें कि तीन चीजें मेन है। सबसे पहली तो है डिजिटल स्क्रीन, जो आईसीसी के ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि भाई हम इस डिजिटल स्क्रीन से किसी भी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है। दूसरी बारी आती है स्कोर बोर्ड की, स्कोर बोर्ड से भी ये लोग सेटिस्फाइड नहीं है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है दर्शकों का सिटिंग एरिया। अब देखिए, जब आप किसी स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने के लिए जाते हैं तब वहां पर जो सबसे ज्यादा अहम चीज आपके लिए होती है वो होती है आपकी सिटिंग चेयर, कि आप बैठ कहां रहे हो। चलिए ठीक है, बैठने वाली चेयर का मामला हो गया, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपकी डिजिटल स्क्रीन, क्योंकि स्टेडियम में होने का मतलब ये नहीं है कि आपको वहां पर बैठ के सारा मैच दिख रहा होगा। एक डिजिटल स्क्रीन की जरूरत पड़ती है जिससे कि आप उसके ऊपर मैच को देख सके कि वहां पर चल क्या रहा है, तब तो आप गेम को समझ पाते हैं, वरना स्टेडियम में आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई आप इस कोने में बैठे हो तो उस कोने पर खिलाड़ी कर क्या रहा है। इसके अलावा स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड तो देखिए भाई कोई भी मैच हो आपके लिए जरूरी रहता ही। तो इन तीनों ही चीजों से, सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, कराची स्टेडियम में आईसीसी के ऑफिशियल सेटिस्फाई नहीं है, और आने वाले समय में पाकिस्तान को इसको लेकर काम करना ही पड़ेगा। अब ऑब्वियस ही बात है कराची क्योंकि पाकिस्तान के सबसे बढ़िया स्टेडियम्स में से एक है, तो इसके ऊपर बात तो आएगी। पिंडी स्टेडियम में क्या चीजें होंगी वो भी देखना पड़ेगा, फिर लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम भी है, तो कुछ चीजें हैं जिनके लिए ऊपर इंप्रूवमेंट करने का काम अभी भी पाकिस्तान में होना बाकी है, और समय रहते अगर ये इंप्रूवमेंट नहीं किया गया तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, जब इंप्रूवमेंट की बारी आती तब मेरे को याद आता है कि भैया 2024-2025 का जो पीएसएल का ब्रॉडकास्टिंग राइट है वो पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करीब 950 करोड़ में बेचा था। अब देखिए ये 950 करोड़ रुपए आखिर कहां चले गए, ये कौन जवाब देगा। इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो जका अशरफ और नजम सेठी साहब भी पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पीसीबी में चेयरमैन तो बदलते रहते हैं लेकिन जो दौर है पाकिस्तान क्रिकेट का वो बदलता हुआ नहीं दिखता। भाई क्रिकेट के स्टेडियम की हालत इतनी बद से बदतर है कि लोग वहां पर मैच देखने जाना नहीं चाहते। अभी जो इनका डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा था वहां से तो इस तरह की भी रिपोर्ट आई थी कि भाई पीने का पानी तक मुहैया नहीं करा पा रहे हैं ये लोग। तो आप मुझे बताइए कि आखिर ये लोग चैंपियंस ट्रॉफी का ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। वहां पर आपको दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी देखने के लिए मिलने वाले हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं कि भाई इससे आपके देश के सूरत हाल बदल जाएंगे, लेकिन जब बारी आती है मौके पर परफॉर्म करने की तब वो चीज हो नहीं पाती। अभी सिक्योरिटी चेक भी होने हैं, और सिक्योरिटी चेक इस बार की चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा सिरदर्द रहने वाला है पाकिस्तान के लिए। क्यों? क्योंकि
सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला रहा है हमेशा से ही पाकिस्तान में। 2009 में श्रीलंका की टीम के साथ क्या हुआ था वो पूरी दुनिया ने देखा था, और उसके बाद ही पाकिस्तान में क्रिकेट बंद हो गया था। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान चाहता है कि उनके यहाँ क्रिकेट नॉर्मलाइज हो जाए तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक जो है वो सबसे ज्यादा शानदार करने पड़ेंगे। अब सिक्योरिटी चेक की अगर हम लोग बात समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर ना सिर्फ आपको इंडिया को सिक्योरिटी देनी है बल्कि दुनिया की जो खिलाड़ी टीम्स आएंगी, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, आपको इन सबको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। लेकिन इस बीच में कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स आए थे कि यार जब वहां पर ऑस्ट्रेलिया जाकर खेल सकती है, न्यूजीलैंड जाकर खेल सकती है, तो फिर इंडिया इतना क्यों नखरे दिखा रहा है। तो मेरा उन लोगों को कहना बस यही है कि देखिए दुश्मनी की जब बारी आती है तब इंडिया की जिस तरह की दुश्मनी है पाकिस्तान के साथ में वैसे किसी और देश की तो है नहीं। तो इन सब चीजों के बीच में ऑब्वियसली बात यही है कि आईसीसी के ऑफिशियल्स ने अपने रिपोर्ट जो सबमिट करी है उसमें वो अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है। हालांकि अब पिंडी स्टेडियम भी वो लोग विजिट करने वाले हैं, पिंडी स्टेडियम की क्या फाइंडिंग्स होती है उनकी तरफ भी एक बार देखा जाएगा, गौर फरमाया जाएगा। तो देखते हैं भाई पाकिस्तान के सूरत हाल कैसे होते हैं। वैसे पाकिस्तान इस बार पूरी जान लगा देगा कि ये स्टेडियम उनके यहाँ पर तैयार हो जाए और जो टूर्नामेंट है वो उनके यहाँ तरीके से हो जाए। बाकी अब आप मुझे बताइए आप लोगों को इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।